हेलो माय स्वीट फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना गपशप विद मी। सो रोजाना गपशप विद मी में आ गया है फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे के दिन मैं आती हूँ आप लोगों के लिए लेकर 5 केयर टिप्स रिलेटेड वीडियोस। वो 5 केयर टिप्स भी हो सकती हैं, 5 केयर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर मैं आती हूँ आपके लिए, ताकि आपको मैं अपने एक्सपीरियंस की चीजों को बताकर आपको थोड़ी सी जानकारी दे सकूं। अगर आप लोग उसे यूज कर सकते हो, आप लोग उसे अमल कर सकते हो, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मेरी सोसाइटी में थोड़ा सा शोर आपको आ रहा होगा, सो प्लीज यू कैन मैनेज। आप देख रहे हो कि मेरे बाल ना आज काफी भीगे भीगे से हैं, मैं काफी सिंपल लुक में हूँ। यस एग्जैक्टली यू आर राइट, मैं हूँ, क्योंकि मैं आज इसी पॉइंट पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। आज मैंने वीडियो बनाई है वो 5 टिप्स जो कि मैं अपने बालों के लिए यूज करती हूँ जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप से लेके 5 लास्ट स्टेप तक मैं आपको पूरा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाने वाली हूँ करके। और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स भी आपको मिलेंगी। एक बहुत ही बेस्ट सिरम जो मैं अपने बालों में यूज करती हूँ, और एक बहुत ही बेस्ट ऑयल। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आपको कि मेरी वीडियो देख के आप भी वो यूज करने लगो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो मैं सारा कुछ बहुत ही रियल और क्लियर दिखाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे जरूर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और प्लीज मैं आखिरी बार फिर बोल रही हूँ कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप इस वीडियो की जो टिप्स है और जो ट्रिक्स हैं वो आप बिल्कुल भी मिस ना करो। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कर लेते हैं सबसे पहले सेकंड प्रोसेस की तैयारी, जिस ऑयल से हमें अपने बालों की मालिश करनी है उसकी तैयारी करके रखते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो। तो इसके लिए मैंने 2 ऑप्शंस ले लिए हैं ताकि आपको आराम रहे। यहाँ मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल और बादाम ऑयल, कैस्टर ऑयल और विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि लास्ट के 2 ऑप्शंस बिल्कुल कंपलसरी हैं, वो ऑप्शंस में आते ही नहीं हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल, और मैं उसी सेम चम्मच से 1 चम्मच ले लूँगी कैस्टर ऑयल, और इसमें ऐड कर लूँगी विटामिन ई, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि जो कैस्टर ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, और अगर आप उसे अच्छे से मिक्स नहीं करते हो तो वो बिल्कुल नीचे जाकर बैठ जाता है, और पता चलता है कि ऊपर जो लिक्विड ऑयल है वही हमने अप्लाई किया और कैस्टर ऑयल जो है वो नीचे ही रह गया। मैंने इसे कर लिया हल्का सा गुनगुना, और अब मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट प्रोसेस पे। मैं वापस से आ गई हूँ, कॉम योर हेयर। बालों को ना बहुत अच्छे से सुलझाना है। कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में उलझे बालों में ऑयलिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा टूटने लगते हैं, और ये एक बहुत ही बैड हैबिट मैं बोलूँगी इसको। बालों को हमेशा सुलझाने के बाद ही ऑयलिंग करनी चाहिए। तो अब मैं आगे सेकेंड प्रोसेस पे हेयर ऑयलिंग में मैं पहुंच गई हूँ, और बालों को बस हमें जो ऑयल हमने रेडी करके रखा था वो हल्का ल्यूक वॉर्म है, तो उससे मालिश करते समय आपको इतना रिलैक्स फील होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो प्रोसेस है उसमें बालों को खोलते जाएंगे और स्कैल्प्स पे हम अप्लाई करते जाएंगे। कोशिश करना है कि बालों में अच्छे रिजल्ट के लिए जो मॉइस्चर है ऑयल का, वो सबसे पहले उसके स्कैल्प में ही जाना चाहिए। अदरवाइज़ जो अच्छा रिजल्ट चाहिए हमें ना, वो सिर्फ बालों की लेंथ पे बालों को अप्लाई करने से हमें नहीं मिलता है। तो आप देखो, मैंने 2 पार्टीशन में बालों को डिवाइड किया था, और मैंने दोनों साइड अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और अब मैं अपनी लेंथ पे भी अच्छे से हल्के हाथों से, ध्यान रखिएगा बालों पे कुछ भी आप अप्लाई करते हो तो ये सारी चीज़ें ना एक तरह से गॉड गिफ्टेड हैं, तो इन चीज़ों पर हर हाथ को ना बहुत अच्छे से हल्के हाथों से ही इस्तेमाल करना चाहिए। हो गई मेरी ऑयलिंग बहुत ही अच्छे से, आप देख सकते हो बहुत ही इक्वली सब जगह ऑयल आपको दिख रहा होगा मेरे बालों पर। तो इसके बाद हमें कंघी बिल्कुल भी नहीं कॉम का यूज़ करना है। अब देन बालों में एक बन या पूनी बहुत ही हल्की सी खींच कर नहीं, बिल्कुल आप बना लोगे। अब आते हैं थर्ड पर, 10 to 15 मिनट्स बन बनाने या पूनी बनाने के बाद हमें बालों को छोड़ देना है, और 10 to 15 मिनट्स के बाद हम आ जाएंगे अपने सबसे बेस्ट और मेरे फेवरेट जो स्टेप है उस पर, बालों की मसाज के लिए। और बस जो स्टेप मैंने, मुझे इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जो जो स्टेप्स मैंने आपको इसमें दिखाए हैं वो सारे स्टेप्स आपको क्लियर पता चल जाएंगे। इसीलिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, ताकि आपको स्टेप्स देखने और समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो।
तो बस आप इस वाले स्टेप को ना बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत ही कम लोग होंगे जो हेयर वॉश के पहले इस स्टेप को फॉलो करते हैं। आई नो ऑयलिंग सब लोग करते हैं, कंडीशनर सब लोग लगाते हैं, बट ये जो स्टेप है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। मुझे मिला है इसका रिज़ल्ट, मैं आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ। तो हो गया, मेरी मसाज भी हो गई। अब मैं आगे फोर्थ स्टेप पे, जो कि शैम्पू और कंडीशनर है, मैंने बहुत अच्छे से मतलब ल्यूक वार्म वाटर से अपने बालों के ऑयल को निकाल दिया है, और मैंने यूज़ किया था राइस वाटर शैम्पू और राइस वाटर कंडीशनर, जो कि मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप बोलोगे तो मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका डिटेल दे दूंगी। और फिर मैंने आपको दिखाया लास्ट और फिफ्थ स्टेप जो कि है सीरम का। तो मैंने फर्स्ट स्टेप जो ऑप्शन है वो दिखा दिया लिवॉन का। मैं कभी बहुत जल्दबाजी में होती हूँ तो वो यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो आपके सामने बना रही हूँ मैं यही कोशिश करती हूँ यूज़ करने का, क्योंकि मेरे बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मैंने ले लिया है एक बड़े चम्मच से एलोवेरा जेल, और सेम उसी चम्मच से हाफ से भी कम स्पून ग्लिसरीन, और जितने आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम रोज़ वाटर ले लेंगे, क्योंकि मेरे बाल घने हैं बट लंबे ज़्यादा नहीं हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसे काफ़ी थिक ही रखा है, आप देख सकते हो, बट अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप इसमें रोज़ वाटर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, प्लस थोड़ा थोड़ा ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल की भी क्वान्टिटी आप बढ़ा देना। सेम मसाज सेम ऑयलिंग वाले प्रोसेस की तरह ही आपको बालों को दो पार्टीशन में डिवाइड करना है, और फिर बहुत ही अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें मेंशन कर दूं कि अगर आप कोई भी ऐसा सीरम यूज़ करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं तो ध्यान रखिए, या आपको पता होगा कि उसे हम स्कैल्प पे नहीं यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी टच नहीं होने देना चाहिए। बट जो मैं सीरम आपको खुद बनाकर ये चीज़ दिखा रही हूँ ना, जो मुझे इफ़ेक्ट किया है, ये अगर थोड़ा बहुत स्कैल्प पे लग भी जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा आपके साथ। तो आप देख सकते हो मैं बहुत ही हल्के हाथों से इस सीरम को मैंने एक साइड अप्लाई कर लिया, और मैं दूसरे साइड भी अपने ख़ासकर बालों की जो सबसे मतलब लास्ट जो लेंथ है ना उसको पकड़ के हमें अच्छे से, मतलब समझ जाओ इतना धीरे करना है कि बालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके साथ कुछ कर रहे हैं, उस पर सीरम लगा रहे हैं या कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं। इतना हल्का हाथ चलना चाहिए क्योंकि बाल हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, और खींच खींच कर करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा हमें, और जो बचे कुचे होते हैं वो भी चले जाते हैं हमारे जल्दबाजी के चक्कर में। तो ये डन हो गया मेरा पूरा 5 जो स्टेप्स थे केयर टिप्स की इस वीडियो के, और आप देख सकते हो मेरे बाल कितने खिले खिले लग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने बालों को अभी वॉश किया है। जनरली वॉश्ड बाल जो होते हैं बहुत उलझे उलझे से दिखते हैं, बट आप देख सकते हो मेरी हाथों की उंगलियां कितना ईजली मेरे बालों से निकल रही हैं, बिल्कुल मेरे बाल नहीं टूटे हैं। तो आई होप ओके, सो फाइनली आप लोगों ने आई होप सो कि बहुत ही अच्छे से वीडियो एंजॉय किया होगा, और काफी अच्छे से मैंने उसमें आप लोगों को स्टेप वाइज बताने की कोशिश की है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, लाइक कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल हो गया, या जो कुछ भी मैंने उसमें ग्लिसरीन है वो ऐड किया है, जो चीजें भी ऐड की हैं वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। आप उसे बिना किसी टेंशन के अपने बालों के लिए अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट मैं फिर भी आपसे ये कहूंगी, अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो आपके ऊपर अच्छा रिएक्शन नहीं देती है या उसका रिएक्शन आप लोगों के लिए बुरा होता है, तो प्लीज आप उसे बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा। ये चीजें मैं अपने लिए यूज करती हूँ, और आप देख सकते हो मेरे फ्रंट पर ये जो बेबी हेयर्स आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑयल को, इस सीरम को और हेयर वॉश की पूरी जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाई उसको शेयर करने की वजह से हुआ है। तो मैं अगेन ये चीज बोलूंगी कि कभी भी किसी भी वीडियो पे यकीन करके एकदम से आप उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट मत करो। कोई भी चीज है अगर, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो वीक में एक बार। और प्लस मैं इस मेथड के लिए भी आपको बोलूंगी, इस वीडियो में जो चीजें मैंने दिखाई हैं उसके लिए भी मैं सेम चीज आप लोगों को मेंशन करूंगी कि पहले वीक में एक बार आप यूज करो। अगर आपको लगता है कि आपके बालों में थोड़ा बहुत भी फर्क नजर आ रहा है, देन आप इसको वीक में दो बार यूज कर सकते हो, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बोलूंगी कि हफ्ते में 3 से 4 बार आप इसको अप्लाई करो, बट नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो तरीके मैंने इसमें आपको दिखाए हैं कि हेयर वॉश करने से पहले आपको बालों को बहुत ही अच्छे से कॉम कर लेना है, ऑयलिंग के 10 से 15 मिनट के बाद ही आपको अपने बालों में फिंगर टिप्स से हल्की हल्की मसाज देनी है, आपको
ताकि आपके जो स्कैल्प्स हैं वो काफी रिलैक्स हों और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफी अच्छा होने लगे आपके बालों में, जिससे कि ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी आपके बालों की। तो ये प्रोसेस आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो अगर आप इसके प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैस्टर ऑयल और इन सारी चीजों को यूज करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये इश्यू होता था, बट मैंने बहुत ही हिम्मत करके इस चीज को स्टार्ट किया और मुझे इसका सच में रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। आपके सामने है, आप देख सकते हो मेरे काफी छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं, तो वो इसी की देन है। और ऐसे बहुत सारे हेयर केयर टिप्स हैं जो मैंने अपने बालों के लिए यूज किए हैं। अंश के होने के बाद जो बालों का झड़ने का जो प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बट उन सारी चीजों को यूज करने के बाद अभी काफी मुझे अच्छा लगता है अपने बालों को देखकर कि हाँ, पहले से कम बाल गिरते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप इसको स्टार्ट करोगे और एकदम से सडन मैजिक होगा और आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और एकदम सिल्की हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज घर में यूज करते हैं तो वो हमेशा एक अच्छा रिजल्ट तभी देती है जब आप उसको रेगुलर बेस पे आप यूज करना स्टार्ट करते हो। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि आपको ये वीडियो अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आप जितने भी लोगों को जानते हो अपने आसपास के, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, उन मदर्स को जिनका बेबी होने के बाद बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलते हैं संडे की एक फिर से 5 स्टेप्स केयर टिप्स के बाद और फिर आगे की गपशप स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय फैमिली।